नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि वाले लोगों के लिए जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ये जो महीना है कैसा रहने वाला है। तो देखते रहेगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों राशिफल शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो राशिफल होता है ये चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो मीन राशि में विराजमान है तो ये राशिफल आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं जिन जातों के प्रेम संबंध है उनके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा आनंद और उमंग से भरा रहने वाला है। आपके विवेक का प्रयोग करें और वाणी में मधुरता बनाए रखें तो मंगल और शुक्र की पंचम भाव में उपस्थिति है जो आपको बेहद अच्छा प्रेम संबंधों में लाभ दे सकती है। आपके रोमांस से भरपूर हमें यह समय दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा आपको विवेक बनाए रखना है, समझदारी बनाए रखनी है और जो भी बातचीत आप करें, जो भी वाणी से आप अपने मुंह से वाणी निकाले उसे मधुरता से निकाले, आपके लिए बेहद अच्छा समय रहेगा। कुछ स्थिति अगर देखी जाए तो प्रियतम को आप खुश भी रखेंगे लेकिन आपकी वाणी आपका साथ जब छोड़ेगी मामूली सी बात पर भी कलेश यहाँ पर संभव हो जाएगा। इससे रंग में भंग पड़ने की आशंका हमें दिख रही है, इसलिए पहले ही कहा था कि आप अपनी वाणी में थोड़ा सा मधुरता ले आए। प्रियतम का मजाक भी आप उड़ा सकते हैं जिस वजह से भी परेशानियां बढ़ जाए। उपहास करने का प्रयास आप न करें नहीं तो आपकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी विनोदपूर्ण बात भी उन्हें चुप सकती है, ध्यान रखिएगा। आप कितना भी उनको अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे लेकिन वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। अगर आपने उनका तो समझ लीजिए कि 10 लोगों के सामने मजाक भी उड़ा लिया उनको, या जो चीज़ नहीं पसंद है उनके लिए वो कर लिया। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो समय है अगर आप सही तरीके से इस समय को बिता देंगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं बिताएंगे तो इससे मन में खटास आ सकती है और रोमांटिक मूड और अंतरंग क्षणों में भी यहाँ पर भंग हो सकता है। प्रियतम के साथ समय बिताने का आपको तो भरपूर मौका मिलेगा, जैसे भी समय बिताए आप अच्छे तरीके से बिताए आपके लिए अच्छा रहेगा। मौके का भरपूर फायदा उठाए और अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, बाकी पूरा समय आनंद से ही गुजरने वाला है। विवाहित जातकों के लिए देखा जाए तो जुलाई का महीना कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है और महीने का पूर्वार्ध थोड़ा सा कमजोर रह सकता है लेकिन उत्तरार्ध बेहद अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ बेवजह की टोका टक्की से आपको बचना चाहिए, हर बात पर टोकना सही नहीं है, कुछ बातों को ऐसे ही जाने देना चाहिए और कुछ बातों को ऐसे ही मजाक में भी ले लेना चाहिए। साथ ही देखा जाए तो आपको जीवन साथी के विचारों को भी सुनना चाहिए और अपनी बात को भी प्रेम पूर्वक कहना चाहिए, ऐसा नहीं कि गुस्से में कहे और वो जो कह रहे हैं आप सुने ही नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अहम की लड़ाई यहाँ पर संभव हो सकती है इसलिए मैं सारी चीज़ें कह रहा हूँ, इससे आपको बचना चाहिए। उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और सामंजस्य बेहतर होगा। प्रेम में थोड़ी सी संभावना है कि आपकी गंभीरता बढ़ जाए और आपका प्रेम आगे तक पहुंचे। इसी के साथ बात करते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से ये जो महीना है कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। आपको आपसे ज़रूरत से ज़्यादा अपने लिए स्थान और अपनी मर्जी चलाने की प्रवृत्ति होती है तो परिवार में इस वजह से कलह बढ़ सकता है। अपने विचार लोगों पर आप थोपे नहीं, हमेशा अपने हित को साधने का प्रयास न करें। अपने विचार लोगों पर आप यूनिक ऐसे नहीं है कि आप हर समय लोगों को अपनी ही बातों से चलाते रहे, वो जो कहें आप सुने ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी है जुलाई का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है। परिवार के बीच से आपके स्वभाव के लिए विरोध के स्वर उभर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको परिवार में खुद को हावी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी, परिवार सामंजस्य सुखपूर्ण चलता रहेगा। सिर्फ अपनी बात करने और दूसरों के विचारों को कोई सम्मान न करने की आपकी आदत से घर का वातावरण जो है वो बिगड़ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल की पंचम भाव में उपस्थिति पारिवारिक जीवन के लिए तनाव को थोड़ा हल्का कर सकती है और संतान पक्ष से लेकर थोड़ी चिंता आपको कुछ दे सकती है। संतान पक्ष की ओर से तनाव का कोई कारण आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह आदि की बात भी यहाँ पर चल सकती है। भाई बहनों के साथ सामंजस्य बनाने में आप सक्षम तो होंगे लेकिन शुक्र के 17 तारीख को छठे भाव में जाने के बाद आपको अपने स्वभाव में विशेष मधुरता लाने और सामंजस्य का भाव लाना होगा, अन्यथा भाई बहनों के साथ संबंधों पर बहुत ज़्यादा असर आपके पड़ सकता है। दूरियाँ बढ़ सकती है, परिवार का कोई सदस्य अलग होने की बात कर सकता है तो थोड़ा सतर्क रहें। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि वालों ये जो समय है आपके
प्रेम विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी वाणी पर आपको कंट्रोल करना होगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको आपके साथी के साथ, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा गंभीरता लानी है, लेकिन कुछ न कुछ आपको चेंजेस करना होगा। आपके जीवन साथी को जो चीज़ें पसंद नहीं है आपको वो करना छोड़ना होगा। साथ ही देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको अपनी राय दूसरों के ऊपर थोपने से बचना होगा, नहीं तो ये परिवार जो है आपका टूट सकता है। ओवरऑल समय अच्छा है, अच्छा समय है। बुरा समय होगा तो वो भी गुजर जाएगा, क्योंकि अच्छा समय जब ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है तो बुरा भी नहीं टिकता है। सूर्योदय के बाद रात होती है और रात के बाद सूर्योदय होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।